आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं, उस देश ने एक या दो बार नहीं बल्कि कुल मिलाकर 40 बार अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी। एक ऐसा देश जहां पर 16 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये बहुत ही खूबसूरत देश है और इस देश को खुले मैदान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर आपको हर जगह ग्रीन ग्राउंड नजर आएगा। हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत देश पोलैंड की। तो चलिए साथ चलते हैं पोलैंड के एक बेहतरीन सफर पर। इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। देश की आबादी की बात करें तो ये है 3,77,00,000 के आसपास। वहीं बात कर ली जाए यहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी की तो ये है 124 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। देश में 61% लोग शहर में रहते हैं तो वहीं 39% लोग गांव में। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब तक कोई तपता नहीं तब तक कुछ होता नहीं। ये बात पूरी तरह फिट होती है पोलैंड पर। इस देश ने बहुत स्ट्रगल किया है। पोलैंड ने एक या दो नहीं बल्कि अपनी आजादी हासिल करने के लिए 40 बार लड़ाई लड़ी। 17वीं शताब्दी में कोई सबसे ज्यादा तंग देश था तो वो था पोलैंड। लेकिन आज की बात की जाए तो इस देश ने बहुत तरक्की कर ली और सबसे डेवलप देशों में से एक भी बन गया। पोलैंड देश के लोगों को सबसे ज्यादा मुंह फटा कहा जाता है। ये आपके मुंह पर सच बोल देते हैं, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा। यहाँ के लोगों की सोच सबसे अलग होती है। इनका मानना है कि किसी के पीठ पीछे बोलने से कहीं अच्छा है कि आप उनके मुंह पर ही बोल दीजिए, ताकि अगर कुछ सुधार करना हो तो किया जा सकता है। पोलैंड के लोगों को सबसे ज्यादा अगर किसी भी चीज से नफरत है तो वो है झूठ। कभी भी इनसे किसी भी बात को लेकर फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर न करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप पोलिश इंसान का ट्रस्ट हमेशा के लिए खो देंगे। दोस्तों, पोलैंड को खुले मैदान वाला देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जमीन ज्यादा है। लेकिन बात की जाए आबादी की तो वो कम है। यहाँ पर हर घर के आगे एक ग्रीन मैदान देखने को मिल जाएगा, चाहे वो शहर हो या फिर गाँव। यही वजह है कि पोलैंड में कम उम्र से ही बच्चे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वेल, अब हर जगह ग्राउंड या पार्क होने का फायदा भी आप देख ही लीजिए। भाई, पोलैंड के लोग दुनिया के सबसे फिटेस्ट माने जाते हैं। यहाँ पर हर कोई आपको कसरत करते हुए दिख जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप कभी भी पोलैंड के नागरिक का पर्सनैलिटी देख लीजिए, बहुत ही कम ऐसे आपको मिलेंगे जो कि मोटे या ओवरवेट हो। जो लोग फिट होते हैं वो स्मार्ट भी लगते हैं। आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि दुनिया के सबसे ज्यादा गुड लुकिंग मैन इसी देश के होते हैं, और एक सर्वे में ये बात सामने आई है। इसके पीछे रीजन भी साफ साफ है कि ये लंबे भी होते हैं और एट द सेम टाइम स्टाइलिश भी। तो लड़कियां अगर इस देश में घूमने के लिए रही है तो अपने दिल को संभाल कर रखें, क्योंकि बहना आपका दिल किसी पर भी आ सकता है। सिर्फ लड़के ही नहीं, पोलैंड की लड़कियां भी बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। एक तो ये लंबी होती हैं, ऊपर से बहुत ही फिट और स्टाइलिश भी। तभी तो कहा जाता है कि पोलिश गर्लफ्रेंड होना हर लड़के के लिए शान की बात होती है। लेकिन आप ट्राई करने मत जाना, क्योंकि कई बार मामला गलत भी फंस जाता है। क्योंकि अगर यहां की लड़कियों ने किसी के खिलाफ भी शिकायत की तो समझिए कि उसके लिए परेशानियां बढ़ ही जाएंगी। क्या आपने पोलैंड का वॉरशॉ सिटी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं कि इस शहर के साथ क्या हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में, ये शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था और यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं था। सारे के सारी बड़ी बिल्डिंग्स मलबे में बदल गई थी और सारे के सारे घर को कब्र बना दिया गया। लाखों की संख्या में लोग इस देश में मारे गए, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही वॉरशॉ में ही मची थी। जो यहाँ की हालत थी उसे देखकर हर कोई सोच नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये शहर दोबारा बस जाएगा। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट की चाहत और लोगों की मेहनत की इस वॉरशॉ सिटी को दोबारा खड़ा कर दिया। आज ये पोलैंड की राजधानी शहर होने के साथ साथ देश का सबसे बड़ा शहर भी है। अब इस शहर को देखने के बाद कोई कह ही नहीं सकता कि एक समय पर ये मलबे का ढेर था। दोस्तों, ये बात आपने कई लोगों से सुनी होगी कि अगर डंपलिंग्स खाना है तो तिब्बत जाओ। लेकिन रियलिटी जानते हैं क्या है? दुनिया का सबसे बेहतरीन डंपलिंग आपको अगर कहीं खाने को मिलेगा तो वो है पोलैंड। पोलैंड में आपको स्टफ डंपलिंग खाने का ऐसा मजा मिलेगा जिसे आप कभी भूल भी नहीं सकते। साथ ही यहाँ का चीज पिज्जा भी बड़ा पॉपुलर है। पोलैंड देश बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर कुल मिलाकर 16 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। यही वजह है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। इतना ही नहीं, इस देश में सबसे ज्यादा हरियाली भी देखने को मिलती है। मिला जुला कर देखें तो एक पैकेज के तौर पर ये बहुत ही यूनिक देश है। पोलैंड के लोग ट्रेडिशन को बहुत फॉलो करते हैं। यहाँ आज के दिन भी महिलाओं के हाथों को किस करना बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप किसी बात पर महिला के हाथों को किस करते हैं तो मतलब होता है कि आप उनकी बातों से सहमत हैं। यहाँ पर यह बहुत आम बात है, एक दूसरे के हाथों को किस करना। इतना ही नहीं, पोलैंड में अगर आप किसी के घर जाते हैं या चर्च जाते हैं और आपने कैप पहना हुआ है तो उसे डिसरेस्पेक्ट माना जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ मंदिरों में जूते चप्पल नहीं ले जा सकते, उसी तरह यहाँ की यंग जनरेशन हो सकती है कि इन बातों को माइंड न करे। लेकिन आज भी यहाँ के बुजुर्ग लोग किसी को हैट लगाकर चर्च के अंदर या किसी के घर के अंदर
अंदर जाते हुए देख लेते हैं तो उसे अच्छा नहीं मानते। हर देश के लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन यहाँ के लोग अपने ट्रेडिशन को लेकर बहुत गंभीर है। दोस्तों, पोलैंड में हॉलीवुड की कई सारे फिल्में रिलीज होती है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि किसी भी हॉलीवुड फिल्म को मैं इस देश के लोकल लैंग्वेज में देख लूं, यानी कि पोलिश भाषा में, तो वो पॉसिबल होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फिल्मों में डबिंग का काम करते हैं वो एक ही बंदा है जो कि सारी फिल्मों में डबिंग करता है। ऐसे में किसी के लिए भी बड़ा बोरिंग हो जाता है यहाँ के लोकल लैंग्वेज में फिल्म देखना। किताब पढ़ने का भी पोलैंड के लोगों को बहुत शौक होता है। यही वजह है कि आप इस देश के किसी भी गांव में चले जाइए, आपको लाइब्रेरी जरूर मिल जाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम लोग दिन में एक घंटा लाइब्रेरी में समय बिताते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोगों का मानना है कि ज्ञान है तो सब कुछ है। पोलैंड में अच्छे खासे तादाद में लोग रूरल एरिया में रहते हैं। 39% लोग यहाँ पर गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये देश भी किसानों का देश है और यहाँ पर खेती जमकर की जाती है। पोलैंड में सबसे ज्यादा खेती फ्रेश फ्रूट्स की जाती है। साथ ही जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं, चाहे वो स्टील के हो या कार्स के, वो सब शहर से बाहर ही होते हैं। ऐसे में होता ये है कि जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें पलायन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आप जान ही गए कि इस देश में जंगल बहुत है, तो यहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ जंगल में जाते हैं और मशरूम को वहाँ से तोड़ कर लाते हैं। यह है पोलैंड का फैमिली आउटिंग। लोगों के बीच में मशरूम खाना बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाते हैं कि कौन सा मशरूम अच्छा है और कौन सा जहरीला। वैसे हमारे देश में किसी से कह दो कि मशरूम खानी है तो मुंह फेर लेते हैं। तो दोस्तों, ये था यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश पोलैंड। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।